धर्मगुरु बंधन तिग्गा वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ना मैं भाजपा के लिए काम करता हूँ ना मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। मैं एक आदिवासी समाज का बेटा हूँ और अपने पढ़ा समाज के लिए मैं काम करता हूँ, और इसलिए मैं हर चैलेंज को अपने समाज के सामने रखता हूँ। और छत्तीसगढ़ जशपुर का धरती में आया हूँ, नेक्स्ट मीटिंग पढ़ा समाज बुलाएगी, उस मीटिंग में सभी लोग उपस्थित रहेंगे। चलिए कल के हम लोग फोन से व्हाट्सएप से हम लोग आ जाएंगे। तो आज समीक्षा बैठक में आए सभी संगठन के सभी पदाधिकारी का वहाँ आंदोलन का आयोजन जशपुर के मैदान में हुआ था, उसी संबंध में आज समीक्षा बैठक हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बंधन तिग्गा जी, मीटिंग में यही प्रस्ताव पास हुआ है कि कल यहाँ से 25 लोग जाएंगे प्रशासन, और ये पता करेंगे कि प्रशासन को जो पेपर दिया गया था मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, वो हम सबों को समय मिल रहा है कि नहीं, यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि मुख्यमंत्री सामने मिलने का प्रस्ताव जो दिया गया था वो मिला है। दूसरी बात, यदि मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं तो कर्म के बाद एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और जशपुर बंदी बुलाया जाएगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ या झारखंड में बंदी बुलाया जा सकता है, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और तीसरा बात कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो भी प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा हमारा धार्मिक स्थल को जो सील बंद किया गया था, उनका लिखित जो पत्र हम लोग देख रहे हैं उसके आधार पर FIR करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है, और उनके ऊपर क्रिमिनल जो अत्याचार अधिनियम है उसके तहत हम लोग FIR करेंगे, और थाना में जाके हजारों की संख्या में हम लोग ये आवेदन देंगे कि उन पर ये FIR किया जाए। तो इसके बाद भी अगर बात नहीं बनेगी हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और दीपू बगीचा जो हमारा सरना पूजा स्थल है, अब हम लोग किसी भी, हम लोग यहाँ के भूमि पुत्र हैं और यह हमारी धरती हमारे पूर्वजों का है, और इसलिए षड्यंत्र के तहत जो सरना पूजा स्थल से हम लोग उनको बेदखल करने का, और जो राजी पाढ़ा जो हमारा महापंचायत हमारा सामाजिक व्यवस्था का जो सुप्रीम बॉडी है उसको जो बेइज्जत करने का, जो माननीय विधायक महोदया के द्वारा जो बार बार अपने आप को गुराव हिंदू कहा जा रहा है और पाढ़ा को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसके लिए पूरे देश का पाढ़ा, हो सकता है अगला मीटिंग हो उनको हम लोग बुलाएंगे, वो भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि उनको भी यहाँ बैठक में बुलाया जाएगा। यदि वो नहीं आएंगे और अगर उनके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे पाढ़ा, तो उनको भी हो सकता है सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, और ये पूरे देश लेवल का बड़ा मीटिंग इसी जशपुर की धरती पर ही हम लोग करेंगे। और इसलिए समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या देश का राष्ट्रपति हो, वो पहले समाज का व्यक्ति है, और वह अनुसूचित जनजाति का यदि सदस्य है और पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था को अगर उरांव जनजाति से आते हैं तो उनको सामाजिक व्यवस्था को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से आज का प्रस्ताव बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, और इसलिए हम लोग किसी का भी हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बस उनके साथ हम लोग बैठ के वार्ता करेंगे, और कल यहाँ से जो टीम बनाया गया है वो प्रशासन से मिलेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महोदय हम सब उनको समय दे रहे हैं कि नहीं, उसके बाद अगला रणनीति के लिए हम लोग बैठक करेंगे। जी गुरु जी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि सरना स्थल तो खुला है, तो शासन क्या बोलना चाह रही है? देखिए, हम लोग तो दस्तावेज देखे हैं, अभी हमारे दीवान साहब ने दिखाया, उनका जो नोटिस है, उनका जो पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वो सील बंद है, और इसलिए हम लोग तो FIR उनके ऊपर करेंगे। अगर यदि प्रशासन ने हम कहा जाए कि एक तरह से मनुवादियों के दबाव में प्रशासन ने ऐसा घिनौना काम किया है और एक षड्यंत्र के तहत
बच्चों के ऊपर में, ये हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को फंसाना हो तो पोस्टमार्टम को बदल दो, किसी को फंसाना हो तो मेडिकल रिपोर्ट अपने मनमाने तरीके से बना लो, तो वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट में दीवान को पढ़ा के व्यक्तियों को उनके परिवार को भी साथ में रखना चाहिए था कि बच्चा में कुपोषण है कि नहीं है। हम लोगों को भी कानून आता है और हमारे बीच से भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको रखना चाहिए था। तो ये लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे और प्रशासन, अब उरांव समाज आदिवासी समाज जाग चुका है, आप उनको मनुस्मृति आप याद ना दिलाएं। और हमारे ऊपर में जो कहा जाता है कि धर्मगुरु बंधन तिग्गा वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ना मैं भाजपा के लिए काम करता हूँ, ना मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, मैं एक आदिवासी समाज का बेटा हूँ और अपने पढ़ा समाज के लिए मैं काम करता हूँ, और इसलिए मैं हर चैलेंज को अपने समाज के सामने रखता हूँ। और छत्तीसगढ़ जसपुर का धरती में आया हूँ, नेक्स्ट मीटिंग पढ़ा समाज बुलाएगी, उस मीटिंग में सभी लोग उपस्थित रहेंगे और विधि सम्मत यहाँ पर चर्चा होगी। माननीय विधायक महोदया भी यहाँ पर आएंगी, जिनको भी आना है पढ़ा समाज कॉल करेगा, समाज अपना है वो आ सकते हैं, मैं भी उपस्थित रहूँगा और उस पर चर्चा होगा। चलिए सबों को जय धर्मेश, जोहार, धन्यवाद। और एक चीज़ इसमें यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है, जसपुर टिपू बगीचा चूँकि उरांव समाज का जो पारंपरिक व्यवस्था है सामाजिक न्यायिक धार्मिक स्वशासन रूढ़ी प्रथा व्यवस्था के अंतर्गत राजी पढ़ा भारत का मुख्यालय दीपू बगीचा है, वह वहाँ पर सरना स्थल भी है, तो उस सरना स्थल के बारे में यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ जसपुर के स्थानीय लोगों का केंद्र है या पूजा स्थल है, वहाँ पर पूरे देश से या बाहर से आ कर के लोग वहाँ पर उसका अधिकार के लिए दावा कर रहे हैं, यह गलत है। इसके बारे में मैं बंधन से भाई ने सवाल किया, उनके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा भी यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ अखरा भी है और ये हम लोग का ये धर्मपुरिया भी, उसी तरह सरना पूजा स्थल में स्वर्गीय कार्तिक बाबा जब विदेश से जब वापस आए थे तो एक जगह है जहाँ पर वो जितना भी धार्मिक स्थल है वहाँ स्कूल भी, छात्रावास भी, सरना स्थल भी, पूजा स्थल, सभी तरह का उनका सपना था, जो हमारा अखरा भी होता है, धर्मपुरिया भी होता है और सरना पूजा स्थल भी होता है, तो वहाँ सरना पूजा स्थल भी है, हमारा धर्मपुरिया भी है और उसी के तहत वो केवल यहाँ के लिए पार्टिकुलर नहीं है, वो पूरा देश के जितने भी उरांव समाज के लोग हैं उस पर वो लोग माथा टेक सकते हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं, वो केवल यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। और इसलिए अगर कोई कहता है कि बस केवल यहाँ के जो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आए हैं डीपर टोली, ये डीपर टोलियों का ही केवल वो सरना पूजा स्थल नहीं है, वो पूरे उरांव जनजाति जितने भी इस डिप शेड्यूल एरिया में रहते हैं, चाहे गैर आदिवासी भी हों, तो वो उसके लिए भी वो पूजा स्थल है, और इसलिए केवल वो ये नहीं कह सकते कि वह केवल यहाँ के लोगों। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि राजी पढ़ा भारत मुख्यालय दीपू बगीचा जिस प्रकार से दिल्ली हमारे पूरे भारत देश की राजधानी है, उसी प्रकार से उरांव समाज की राष्ट्रीय राजधानी है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? राष्ट्रीय नियंत्रण जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है ये जब हमारे विक्रम बाबा थे तो उनके द्वारा अभी यहाँ मीटिंग में बात आई कि इसको हमारा पुरखौती मुख्यालय इसका मुड़मा है, लेकिन किसी कारणवश विक्रम बाबा उस मुख्यालय को यहाँ पर ले आए थे, तो जब तक अभी यहाँ से संचालित हो रहा है सभी लोग हम लोग उसको मानते हैं और इस पर कोई सवाल बने नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है और अभी है, जब तक कि हम लोग फिर इसका पुनर्स्थापन नहीं करते। जी भाई, संतुष्ट है जवाब जी, जब किसी का सवाल सोशल मीडिया में इसको दीवान जी, आज के समीक्षा बैठक में क्या क्या खास निर्णय लिया गया? आज समीक्षा बैठक में 3 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसके संबंध में जो है समीक्षा बैठक लिया गया, और इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से जो है कल सीएम से बात करने के लिए समय मिला कि नहीं, उसके लिए जो है 25 जन का टीम बना है और कल जा कर के जो है बातचीत करेंगे कि समय मिला कि नहीं। उसके बाद FIR करने मतलब जो कार्रवाई SDM के द्वारा किया गया है
उसके विरुद्ध में जो है FIR करने के लिए भी निर्णय लिया गया। और अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी जगह जो है चक्का जाम करने का प्रस्ताव पास किया गया है और कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पास किया। डेट फाइनल नहीं हुआ है चक्का जाम का? नहीं, उसके लिए तो अभी समय निर्धारित नहीं किया है। अभी जो है मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए समय मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए जो है कल मुलाकात जी धन्यवाद। और आज जो जितने भी राजीव पढ़ा के आह्वान पर जो इतने सारे लोग आए थे बिहार, पटना से, झारखंड से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ के तमाम जगह से आए थे, उनको मैं राजीव पढ़ा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया से एक आवाज़ पर जो है राजीव पढ़ा के आवाज़ पर इतने लोग आए। और इससे मेरे को पूरा उम्मीद हो गया कि आप समाज जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा हो गया।